हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट यूपीटेट से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है सबसे पहले आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर दिया था। इसका पेपर दोस्तों लीक हो गया है और जिन दो लोगों की तस्वीर आप यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं दोस्तों, इन दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़े लेवल पे पेपर आउट हुआ है या छोटे मोटे लेवल पे पेपर आउट हुआ है, क्या पेपर दोस्तों दोबारा हो सकता है, आपको जो वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए क्योंकि दोस्तों जो ऑफिशियल न्यूज है वही हम देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या पेपर दोबारा हो सकता है या नहीं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी खबर आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल कॉम्पिटिशन न्यूज के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे जो खबर दोस्तों पब्लिश हुई है अभी अभी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी परीक्षा से डेढ़ घंटे पहले व्हाट्सएप पे वायरल हुआ सीटेट का पर्चा, दो गिरफ्तार। और दोस्तों, यहां पे आप डेट देख सकते हैं 9 दिसंबर 2019 और जो दोस्तों ये न्यूज है ये पब्लिश हुई है दोस्तों 8:31 पे, यानी कि दोस्तों शाम के 8:31 पे इसे पोस्ट किया गया वेबसाइट पर। और दोस्तों, इन दो अभियुक्तों की भी तस्वीर आप देख सकते हैं जिन्हें सीटेट के पर्चा लीक प्रकरण पे दोस्तों गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर को देख लेते हैं। रविवार को हुआ सीटेट यानी कि दोस्तों केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर परीक्षा से डेढ़ घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। जिन दो लोगों को व्हाट्सएप पर पर्चा आया, एसटीएफ ने सोमवार को उन्हें कानपुर में चेकरी से गिरफ्तार कर लिया। दोनों यहां परीक्षा देने आए थे। एक आरोपी जालौन के कॉलेज प्रबंधक है तो दूसरा उसी कॉलेज में बीटीसी का छात्र है। तो दोस्तों, इन दोनों में दोस्तों एक कॉलेज का जो है प्रबंधक है और दूसरा बीटीसी का छात्र है, इन दोनों को दोस्तों अरेस्ट कर लिया गया है। और दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं पूछताछ में पता चला है कि यह पर्चा प्रयागराज के बीटीसी संघ के नेता ने लीक करवाया है। इसके लिए प्रबंधक से 5 लाख रुपए का सौदा हुआ है। गिरोह के सरगना एवं बीटीसी संघ के नेता की तलाश के लिए एक टीम प्रयागराज रवाना हो गई है। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं प्रयागराज से कानपुर यानी कि दोस्तों काफी बड़े लेवल सीटेट का पेपर आउट हुआ है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो पेपर यहां पे लीक बड़े पैमाने पर हुआ है तो उसका रद्द होना या नहीं होना ये तो दोस्तों यहां पे बताएगा कि पुलिस की जांच बताएगी कि यहां पे ये पेपर रद्द होना है या नहीं होना है। फिलहाल दोस्तों पूरी खबर देख लेते हैं। एसटीएफ कानपुर इकाई के इंस्पेक्टर घनश्याम यादव ने बताया, पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद सब्जी मंडी रमादेवी गणेश नगर रेंढर जालौन निवासी धीरज द्विवेदी उर्फ गोपाल गालमपुरा माधोगढ़ जालौन के चंद्रपाल उर्फ जीतू को गिरफ्तार यहां पे किया गया है। धीरज जालौन के जम्मनपुर में स्थित पंडित परशुराम त्रिवेदी महाविद्यालय का प्रबंधक है चंद्रपाल, इसी कॉलेज से बीटीसी कर रहा। पूछताछ में पता चला धीरज जालौन का सरगना है, उसी ने पर्चा लीक कराने के लिए बीटीसी संघ के नेता आलोक सेंगर से समझौता किया था। और दोस्तों, यहां पे आप दोस्तों मेन खबर दोस्तों देख लेते हैं, जो पर्चा हुआ लीक वही आया। तो दोस्तों, काफी प्रबल संभावना यहां पे लग रही है कि सीटेट का पेपर दोस्तों दोबारा हो सकता है। तो आप लोग भी दोस्तों यहां पे मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या सीटेट का पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहां पे आप लोग देख सकते हैं 5 लाख में सौदा दोस्तों हुआ था और यहां पे जो 87,000 रुपए हैं वो भी दे दिए गए थे। तो बड़ी खबर दोस्तों यहां पे आ रही है कि जो यूपी में हर पेपर दोस्तों आउट हो जाता है तो सीटेट को भी यहां पे नहीं बख्शा गया है। इतिहास में पहली बार होगा जो सीटेट का पेपर दोस्तों आउट हुआ है। तो प्लीज आप अपने मुझे राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोगों का क्या मानना है, क्या ये पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लीज आप अपने रिप्लाई जरूर कीजिएगा। चैनल को दोस्तों पल पल की जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जय हिंद।